हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं, उन्होंने छोटा सा थिंग डैक जो अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ जो चलता है उसकी बात करूँ। बहुत सारे भाइयों ने हमारे से ये बाइक किया है तो उनकी दिक्कत आ रही है, भाई होंडई का 2007 या 2008 मॉडल का अपने को ईएसएम चेंज करना, तो चेंज कैसे करना है थोड़ा उसके ऊपर एक वीडियो बनाए तफसील से। तो उन भाइयों के लिए अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं कैसा मैं ईएसएम चेंज करना है, पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा होंडई का, ठीक है। अभी मैं थिंग डैक जो अपना ओरिजिनल डोंगल जो आता है, ओरिजिनल की बात करूँ, ये ना तो क्रैक वर्जन है ना तो कॉपी है, ये ओरिजिनल, ठीक है। इससे ओरिजिनल कोई आता नहीं है, यही ओरिजिनल है थिंग डैक, ठीक है। ये थिंग डैक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ चलेगा, पूरा एक साल आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ ओरिजिनल केबल, ठीक है। हमने इसका जो डोंगल आता है वो डोंगल हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और इसकी केबल हमने इसके साथ कनेक्ट कर ली है। जो भाई को दिक्कत आ रही है होंडे का ईसीएम चेंज करने में या आपकी प्रोग्रामिंग करने में, उनको कंप्लीट में वीडियो आपको बता सकता हूँ। देख सकते हैं पावर ऑन कर लिया, इग्निशन ऑन कर लिया, अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं मेरी गाड़ी कंप्लीट स्टार्ट है, अभी मुझे गाड़ी के अंदर ईसीएम चेंज करना है, तो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। ये जो ईसीएम है ये ओके वाला ईसीएम है, ठीक है, ये कोडिंग किया हुआ ईसीएम है। अभी मैं नॉन कोडिंग वाला यानी बिना कोडिंग किया हुआ ईसीएम अभी मैं इसके अंदर लगाता हूँ, ये ईसीएम में लगा दिया, और गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको बताऊंगा। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ये हमने कोडिंग नहीं किया है। अभी मैं आपको कोडिंग करके आपको मैं बताऊंगा कैसे कोडिंग करना है। सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन कर लेंगे, देख सकते हैं जो हमारा थिंग डैक प्लस जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन कर लेंगे। इधर हम सर्च करेंगे HY यानी होंडई, HY में चले गए, होंडई में चले गए। कंप्लीट आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे करता हूँ। आपको डायग्नोस में जाएंगे, ये हमारा VCI कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ के साथ, सिक्सटीन पिन में जाएंगे और मैनुअल सिलेक्शन में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, अपनी गाड़ी जो भी आपकी गाड़ी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरी जो गाड़ी है i10 है, पेट्रोल i10। अभी मैं जाऊंगा i10 PA, i10 में जाऊंगा। ये मेरी मॉडल तकरीबन 7-8 है, तो 8 में चला जाऊंगा, पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल में चला जाऊंगा। सिस्टम सिलेक्शन में चले जाऊंगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी आप इधर से रीड कर सकते हैं, रीड ट्रबल कोड देख सकते हैं, इंजन के अंदर जो कोड बन रहा है वो उसके अंदर बता रहा है। अभी अपने को करना है की प्रोग्रामिंग, अभी मैं जाऊंगा इमो में, और इसके अंदर स्पेशल फंक्शन और लाइव डाटा, स्पेशल फंक्शन में चला जाऊंगा। इसके अंदर पूछ रहा है आपका ईसीएम न्यूट्रल, ये सारा कुछ दिखा रहा है। आपने जो ईसीएम मंगवाए हो वो न्यूट्रल होना चाहिए या तो उसका आपके पास पिन होना चाहिए। अभी जो मैं ईसीएम लगा रहा हूँ ये इसके अंदर पहले से मैं पिन जनरेट करके रखा हूँ, ठीक है। ये अपना जो स्कैनर है ये अपना 2009-10 का पिन कोड रीड नहीं करेगा, अप टू 2007 मॉडल तक अपना पिन कोड रीड कर लेगा। बाई मिस्टेक आपके पास पिन नहीं है तो विन नंबर से आप पिन निकाल के वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा टीचिंग में, अभी जो मेरा पिन कोड है वो मेरा पिन कोड है 1 2 3 4 5 6, मेरा पिन कोड है, एंटर कर लिया। देख सकते हैं टीचिंग, फर्स्ट की टीचिंग कंटिन्यू, ओके, फर्स्ट की मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ओके, टीचिंग फर्स्ट की इज कम्प्लीट। सेकेंड की आप चढ़ाना चाहते हैं तो ओके करें, नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो कैंसिल करें, कैंसिल, क्योंकि मैं एक ही चाबी चढ़ाना चाहता हूँ, ओके, मेरा ईसीएम हो गया चेंज। अभी मैं एक बार इग्निशन को बंद करता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। देख सकते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, इतना सिंपल इसका काम रहता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सपोर्ट में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहुत जगह से स्कैनर ले लेते हैं, लेने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई अपने को ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, कैसा करें, आप हेल्प करें। भाई हम फ्री रहते हैं तो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, हम फ्री नहीं रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमारे पर भरोसा करके जो बंदे लिए हैं सबसे पहले हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो टाइम बचता है उन उसके बाद दूसरों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। जो हमारे से भरोसा करके जो हमारे पास टूल लिए हैं उनको सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहता है उनको हम सपोर्ट करें, और जो फ्री टाइम रहता उसके बाद दूसरों को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो
मेरा एक भाई का ये सवाल था, इसको कैसे करना है। अपना पास थिंकडेक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, हालांकि मेरे पास बंदा लिया था वो, तो हमने उनको काम करवा के दिखा भी दिया और काम करके दे भी दिए। तो एक वीडियो बनाने का मकसद ये है, ऐसा काम आप कर सकते हैं, कोई भी आप हुंडई का चेंज कर सकते हैं, मारुति का चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। जो भी भाई इंटरेस्टेड है थिंकडेक ओरिजिनल हमारे से लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अपने से भाई कर सकते हैं, और जो भी आपको गाइड चाहिए वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।